कर्तव्य ज्ञान मुद्दा के एकटा फरार अभियुक्त के पकड़ाव कड़ा सजाय देव के लिए पीड़ित परिवार जन मांग कलक। धनुषा जिला के बहुहरवा विगत दू वर्ष पूर्व छुरा प्रहार उपचार के क्रम में मृत्यु भेल 36 वर्षक सरोज कुमार मंडल के कनिया चांदनी मंडल एहन मांग कने आ वो न्याय के लेल गुहार लगौने। बृहस्पति दिन मृतक सरोज के दोसर वार्षिक श्राद्ध के अवसर में पत्रकार सम्मेलन के आयोजन चांदनी फरार रहल अपन श्रीमान के हत्या का आरोपी मनीष कुमार मंडल के तत्काल पकड़ कर सजाय देव के लेल आ राज्य के न्याय के अनुभूति कराब के लेल मांग कने। ओ कहत छथि हत्या आरोपी खुलेआम घूम रहल अछि आ हमर दुनिया उजड़ गेल अछि, हमरा न्याय चाही। लगभग 2 साल भेल जाय घटना में छुरा मारल 2 साल भ गेल, घटना भेल ओकर डेट भेल 1 साल भ गेल पुन गेल, लेकिन अभी तक लागे न हमरा कोनो न्याय मिली न कुछ। हम सुन मतलब एगो बेटा के लागे बाप दादा सबसे बड़का थी, लेकिन घर से बेटे चल गए तो बाप बताए कि हम केना के रखू आ केना के हम दुनी धियापुता के रखू आ केना के हम जीव आ केना के हम रहू। अभी केकरो 27-28 साल में लाइफ बर्बाद करना मामूली बात है। केकरा पर अथी छे यहां के जे मारने रहे के मारने रहे? मनीष कुमार मार ले रहे। मनीष कुमार मंडल राजीव छुरा दे ले है, मनीष कुमार मार ले है के मनीष कुमार मंडल तो अभी एगो पकड़ा के अली, एगो चुनाव से पहले पकड़ा के अली कतार से, दोसर कैला नहीं पकड़ा के आब रहल एगो मनीष कुमार मंडल के। हाँ, मनीष कुमार नहीं अभी पकड़ा के आयल रहल। पूरा नाम कहियो दोसर? मनीष कुमार मंडल मंडल दोसर अखन जेल में के छे? जेल में अभी राजीव कुमार मंडल है। राजीव घटना केना भेल रहे? घटना के गणेश पूजा भेल रहे तो आके उ मेला में मेला देख गेल रहे, दोसर आदमी के झगड़ा होत रहे, उ झगड़ा छोड़ल के झगड़ा छोड़ा के उ अबित रहे तब ओकरा ही छुरा मार देले। 2078 साल भादो 26 गते धनौजी गाम पालिका वार्ड नंबर 5 बहुहरवा में गणेश पूजा के अवसर पर मेला के आयोजन कयल गेल छलै। ओहि मेला देख पहुंचल भीड़ में स्थानीय रामनंदन मंडल के बेटा सरोज मंडल सेहो छलथि। मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल रहै। रात करीब 2 बजे अचानक दूटा समूह बीच विवाद भ गेलै। सरोज ओ झगड़ा छोड़ाब के प्रयास कयने छल मुदा अचानक सरोज के पेट में धरगर हथियार सँ प्रहार कयल गेलै। मेला में नाच देख रहल समय में ओहि गाम के अमित कुमार मंडल, मनीष कुमार मंडल, राजीव कुमार मंडल बीच आपसी विवाद भेल रहै। ओहि विवाद में प्रतिवादी मनीष आ राजीव अमित के माथ में हथियार प्रहार कयने छल। अमित के बचाव के उद्देश्य सँ बजरंग राउत आ सरोज कुमार मंडल ओहि ठाम पहुँचल। सरोज के पिता रामनंदन मंडल बतौने छथि। सर माने 2078 साल 5 महीना 26 गत के बहरवा चौक पर माने गणेश पूजा के आयोजन कल गेल रहे, ओहिमे सांस्कृतिक प्रोग्राम रहे। सांस्कृतिक प्रोग्राम में हमर बचवा सब माने देख के लेल ओहिया गेल रहे। तकर बाद माने एक बेर ओकरा सब के माने आपस में झंझट टाइप भेले तो सब गोटा मैंने आबि के थोड़थम लगा दिलके। बाद में रमेश अथी राजीव नाम के बचवा रहे चाहे कौन ईर्षा दोष रहे वो नहीं कह सकते। वो गेले मनीष के घर वही चौके पर छे, ओकरा घर से एक धारिलो हथियार मैंने तलवार टाइप के औजार लेलक उ दे दिल्क मनीष के, मनीष के हाथ कर दिल्क। मनीष लगले जथाभावी भाज वही टाइम में अमित कुमार मंडल के नाम माथ पर प्रहार कर दिल्क। ओकरे बचब के लिए सरोज जो ये पहुँचे छे तो ओकरा पेट में मारि दिल्क छोड़ा। वही टाइम में अथी बजरंग राउत रहे ओहो माने कुछ पकड़ के लिए कल तो ओकरा जांग पर माने वो तलवार अथी कर दिल्क। तकर बाद लोग थोड़ थम लगा दिल्क ओकरा पकड़ के दुनू के राजीव के आ मनीष के चौकी में राखि दिल्क। वही सब माने अथी भेल वो बचवा सब के हम उठा कर रात में खबर आयल तो ओकरा उठा कर ले गेली तो जनकपुर राम जानकी हॉस्पिटल में माने भर्ना कैलिए। तो अमित के ओ राम जानकी हॉस्पिटल में टका उका लगा दिल्क तो ओकरा अथी भ गेल। बजरंगो के साधारण
चोट पटक रहें तब वही इलाज भ गए सरोज के इलाज संभव नहीं भेले तब बिहान भेले 8 बजे में प्लेन से हम काठमांडू ले गेलिए काठमांडू ट्रामा सेंटर में जाकर उनका इलाज होइत छले शल्यक्रिया भेले ऑपरेशन सब भेले तो ओकरा पैखाना द्वार के माने बाहर नली के रखल रहे 15 दिन माने बचवा वेंटिलेटर पर रहले 7-8 दिन आईसीयू में रहले 18 दिन आईसीयू में रहले तकर बाद माने ओकरा कुछ सुधार भेले तो माने साधारण वार्ड में माने रखल के बाद में डॉक्टर कहलकिन से 6 महीना के बाद माने ये नली के भीतर कर लेते माने मल द्वार के नली बाहरे रहे तो 6 महीना के बाद माने अखन इन्फेक्शन भए थे ते लक माने 6 महीना के बाद में वही नली के भीतर कर लेते तो ओकरा लक हम सब सर चले ली गाँव पर बोले 6 महीना के बाद 6 महीना टाइम जो गुजर गए तो डॉक्टर साहब के सलाह ले लिये तो कल के लक आओ तो फिर हम ये सब माने 6 महीना के बाद माने लग काठमांडू में गेलिए काठमांडू गेलिए ओकरा माने शल्यक्रिया भेले वही टाइम में उनका देहांत हो गए अब सफल नहीं भेले कि केना भेले तो डॉक्टर साहब से जानते वही इलाजे के क्रम में माने उनका देहांत हो गए ओत गेलाक तत्काले बाद हुनका ऊपर छुरा प्रहार कैल गेल छलै बजरंग के जांघ में आ सरोज के पेट में छुरा प्रहार क गंभीर घायल बनाओल गेल रहै सरोज के वही समय से काठमांडू स्थित ट्रॉमा सेंटर लगात के अस्पताल में उपचार भ रहल छलै वही उपचार होते समय में 18 वर्षक मनीष कुमार मंडल आ बहु अरवा वार्ड नंबर 4 के 23 वर्षक राजीव कुमार मंडल ऊपर जान मारने उद्योग में जिला अदालत धनुषा में मुद्दा दर्ता कैल गेल जिला न्यायाधीश परशुराम भट्टराई के कल इजलास से हत्या अभियोग जान मारने उद्योग मुद्दा के सामान्य कूटपीट में परिणत कर प्रतिवादी के मुक्त करक फैसला सुनाओल गेल फैसला में प्रतिवादी राजीव कुमार मंडल गंभीर घायल सरोज कुमार मंडल के उपचार खर्च बापत 4,92,259 घायल अनिल मंडल के 69,300 आ बजरंग प्रसाद राउत के 3,130 के बिल भरपाई अनुसार उपचार खर्च उपलब्ध करेबाक निर्णय कैल गेल अदालत के आदेश से बड़ी भ किछ दिन के भीतरे में विदेश गेल पीड़ित परिवार जन सब बतौने इम्हर घायल सरोज के उपचार के क्रम में मृत्यु भ गेलै त राजीव जब एक हफ्ता में घिचा गेलै त मनीष कैला नै घिचाई है मनीषो घिचाए के नै चुनाव से पहले ते ओकर प्रमाण देले चुनाव के कते महीना भ गेलै त अभी तक लागि नै ओकर कोनो घिचा कैले कैला नै घिचा कऽ अभी है एजे के नेपाल के सरकार कथी कहै हमरा सुन के न्याय देती कि नै न्याय देती से हम अनुरोध करै छी सर हमरा सके के त मांग से माने लगभग 2 साल भेल जाय घटना में छोड़ा मारला 2 साल भग लिया घटना भेला ओकर डेथ भेला 1 साल भग लिया खुल गेल लेकिन अभी तक लागे ना हमरा कोनो न्याय मिली अनु कुछ हम सुन मतलब एगो बेटा के लागे बाप दाई सबसे बड़का थी लेकिन अई घर से बेटे चल गेले तो ओई बाप दाई के हम केना के राखू आ केना के हम दुनी धियापुता के राखू आ केना के हम जीवा केना के हम रहू अभी केकरो 27-28 साल में लाइफ बर्बाद करना मामूली बात है केकरा पर अथी छे यहां आपके जे मारने रहे के मारने रहे मनीष कुमार मार ले रहे मनीष कुमार मंडल राजीव छुरा दे ले है मनीष कुमार मार ले है के मनीष कुमार मंडल के अभी एगो पकड़ा के एली एगो चुनाव से पहले पकड़ा के एली कतार से दोसर कैला नहीं पकड़ा के आब रहल है एगो मनीष कुमार मंडल के मनीष कुमार नहीं अभी पकड़ा के आयल रहल है पूरा नाम के दोसर मनीष कुमार मंडल मंडल दोसर अखन जेल में के छे जेल में अभी राजीव कुमार मंडल है राजीव घटना केना भेल रहे घटना के गणेश पूजा भेल रहे तो आके ऊ मेला में मेला देखा गेल रहे दोसर आदमी के झगड़ा होइत रहे ऊ झगड़ा छोड़ल के झगड़ा छोड़ा के ऊ अबित रहे तब ओकरा ही छुरा मार देले कत तक कौन ठाम बोहर में बोहर बात चौक पर आ से भी केना जानकारी भेल जान मारने उद्योग मुद्दा के कूटपीट में परिणत को गिरफ्तार कैल गेल प्रतिवादी सब मनीष कुमार मंडल आ राजीव कुमार मंडल कारागार से थुना मुक्त भेल छलै सरोज उपचार के क्रम में रहल अवस्था में 2078 चैत 28 गते भिनसर 9 बजे के समय में हुनकर काठमांडू स्थित राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर में मृत्यु भ गेल छलै बेटा के मृत्यु पश्चात सरोजक पिता रामनंदन मंडल 2079 बैसाख 4 गते प्रतिवादी सबके गिरफ्तार
परिवार के जान संबंधी कसूर में आवश्यक कार्रवाई के मांग करते जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा में जाहिरी देने रहत। प्रहरी के जाहिरी दर्ता क फरार प्रतिवादी सब मनीष कुमार मंडल आ राजीव कुमार मंडल के पकड़ कर जिला अदालत से बैसाख 5 गते पकड़ के अनुमति प्राप्त कैने छल। प्रतिवादी सब में से राजीव कुमार मंडल 2078 फागुन 13 गते वैदेशिक रोजगारी के क्रम में कतार जा चुकल छलत। ओ कतार के सेनहिया राइट साइड स्टेट नंबर 45 कैंप के कतार मास्टर कंपनी में से काम कर रहल बात धनुषा पुलिस के अनुसंधान के क्रम में पता लगलक। आ ओ कतार से ओकरा पकड़ाव क लाब में नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसंधान विभाग इंटरपोल शाखा के पत्राचार कैने छलक। राजीव के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खोज तलाश आ गिरफ्तार करे के लेल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर ओकरा तालुक कार्यालय के समन्वय में नेपाल आनल गेल रहे। मनीष कुमार मंडल अखन सेहो खुलेआम घूम रहल कहे तो ओकरा नेपाल प्रहरी तत्काल पकड़ाव कड़ा कार्रवाई करक लेल प्रक्रिया आगू बढ़ाव हेतु पीड़ित परिवारजन मांग कैने छै। मृतक मंडल के 9 वर्षक एकटा बेटा आ 6 वर्षक बेटी छै। हुनकर भैया के सेहो कनिक दिन पहिने जनकपुर उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 4 कैंपस चौक स्थित विद्युत के करेंट लाग मृत्यु भगल छलै। आरोपी मनीष कुमार मंडल वैदेशिक रोजगारी के क्रम में कतार में रहते आयल बात स्थानीय वासी सब कहे छथि। टीवी टुडे के लेल ध्रुव कुमार झा जनकपुर धाम।